हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सैंडविच। सैंडविच बनाने के लिए एक मीडियम साइज का प्याज, एक टमाटर और एक शिमला मिर्च जिसे मैं बारीक बारीक काट ली हूँ। दो आलू ले ली हूँ थोड़े बड़े साइज का, इसे मैं कद्दूकस कर ली हूँ। अब इधर गैस ऑन कर लें, इस पर एक पैन चढ़ा दें, फिर इसमें एक चम्मच तेल डाल दें। तेल थोड़ा गर्म हो जाने के बाद आधी चम्मच सरसों के दाने डालकर इसे अच्छी तरह से चटक जाने दें। देखिए सरसों हमारे चटक गए हैं, तो अब इसमें एक हरी मिर्च जिसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट ली हूँ उसे डाल दें, फिर बारीक कटी हुई प्याज डाल दें। प्याज को डालकर अच्छी तरह से मिक्स करें। हल्का सॉफ्ट होने दें इसे। देखिए हल्का सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें शिमला मिर्च डाल दें। शिमला मिर्च डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। थोड़ी देर इसे भी सॉफ्ट कर लेते हैं, फिर टमाटर डाल देते हैं। फिर टमाटर डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्स करते हुए इन सभी को भूनना है। देखिए थोड़ा सॉफ्ट हो गया है सब, तो अब इसमें आधी चम्मच नमक डाल दें। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। आधी चम्मच से कम हल्दी और बिल्कुल थोड़ी सी लाल मिर्च, क्योंकि हरी मिर्च भी डाली हूँ इसलिए। तीखा आप अपने अनुसार डालें, अगर ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो ज़्यादा लाल मिर्च पाउडर डाल दें। अब इन सभी मसाले के साथ इसे एक मिनट के लिए थोड़ा भून लेंगे ताकि सब्जियां सब हमारी अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए। अब इसमें आलू डाल देते हैं। आलू डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए एक मिनट के लिए भून लेंगे। देखिए आलू हमारा तैयार हो गया, अच्छी तरह से भून चुका है। अब इसे प्लेट में निकाल कर रख लेते हैं। अब एक सॉस बनाते हैं, उसके लिए एक चम्मच चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस ली हूँ, और दो चम्मच टमाटो केचप। दो चम्मच टमाटो केचप इन सभी को लेकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसे हम ब्रेड पर लगाएंगे। दोनों सॉस को मिक्स करके ब्रेड पर लगाने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है सैंडविच में। मैं चार स्लाइस ब्रेड का ले रही हूँ। देखिए इस तरह से सॉस को लगा देंगे अच्छी तरह से बिल्कुल। फिर उसके ऊपर से इस तरह से आलू रख दें उस पर। अच्छी तरह से आलू को फैला लेते हैं। फिर एक और ब्रेड में इस तरह से सॉस लगाकर आलू के ऊपर इस तरह से रख देंगे। इस तरह से हम एक और सैंडविच तैयार कर लेते हैं। उसे भी अच्छी तरह से दोनों ब्रेड में अच्छी तरह सॉस लगा लें और उसके ऊपर से आलू रखकर सैंडविच को बंद कर दें एक और ब्रेड से। इस तरह से हमारा दो सैंडविच तैयार हो जाएगा।
अब सैंडविच को सेक लेते हैं। सेकने के लिए पहले एक चम्मच घी डाल दें। घी डालकर उस पर इस तरह से सैंडविच रख दें और सैंडविच के ऊपर भी घी डाल दें। अगर आपके पास बटर है तो बटर से भी सैंडविच सेक सकते हैं। इस तरह से ब्राउन ब्राउन सैंडविच को दोनों साइड से अच्छी तरह सेक लें पलट पलट कर। देखिए हमारा सैंडविच दोनों साइड से अच्छी तरह से सिक गया है। अब इसकी प्लेटिंग करेंगे। इस तरह से इसे बीच से दो हिस्सों में काट लें। देखिए कितना अच्छा सैंडविच लग रहा है। वीडियो अगर अच्छी लगे, देखिए हमारा सैंडविच तैयार हो गया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर